गोल्डन आप देख रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज पर। आपको बता दें अब तक हमारे पहले बेहद खास मेहमान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आपने सुना, जिन्होंने दावा किया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और दिलचस्प ये भी है कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनावी मैदान जितना दिलचस्प देखने को मिल रहा है, यकीन मानिए आज के पहले कभी नहीं देखने को मिला होगा। एक तरफ जहां चुनावी मैदान में जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बीच भी जुबानी जंग हो रही है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, अपने आप में ये बेहद हो जाता है दिलचस्प। और ये खास व्यवस्था अपने दो खास मेहमानों के लिए हमने करके रखी हुई है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का स्वागत हो, और संबित पात्रा बीजेपी की ओर से आप भी मंच पर आइए। इस सेशन का संचालन करेंगी एबीपी न्यूज पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनावी पारा है वो एकदम अपने चरम पर पहुंच गया है। अब यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिसके हाथ में लंबी फेहरिस्त है अपनी योजनाओं घोषणाओं की, विपक्ष है जिसके पास लंबी फेहरिस्त है घोटालों की, सरकार की नाकामियों की। किसके दावे में कितना दम आप तय कीजिएगा। मैं ये मंच खोल रही हूँ बस, और आपका जल्दी से मैं तारुफ करा दूं। वैसे तो तारुफ की इन दोनों को जरूरत नहीं है, बेबाक प्रवक्ता दोनों अपने अपने दल के और मध्य प्रदेश में अपनी अपनी पार्टियों के लिए मीडिया का प्रभार भी दोनों संभाल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संबित, चौथी लहर का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता आशीर्वाद चौथी बार देगी, इसका आधार क्या है? इसका उत्तर तो आपने अभी खुद दिया है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी फेहरिस्त है विकास का, वो तो सच्चाई है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़ी फेहरिस्त है घोटाले का, वो भी सही है। इसलिए इनके पास घोटाला, हमारे पास विकास। तो जनता घोटाले को कभी नहीं चुनती है, जनता चुनती है तो विकास को ही चुनती है। और जिस प्रकार से देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में वही रोमाना जी थी, वही संबित पात्रा और वही मेरी बहन प्रियंका चतुर्वेदी थी। डिबेट यही होता था किस कारण से भारतीय जनता पार्टी आएगी, और कांग्रेस पार्टी वही रटे रटा सवाल इस बार देख लीजिएगा क्या होने वाला है। बीजेपी नहीं आएगी, राहुल गांधी कमाल हो जाएगा, 35 बार सरकार बन जाएगी, 35 बार हम जीत जाएंगे, 35 बार ऐसे हो जाएगा। मगर होता अंत में वही था, फिर कमल जी 35 कहां से आ गया? आप अच्छा, को ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैंने 35 बोल दिया क्या? मैंने 35 बोल दिया क्या? अच्छा सॉरी 35 कुछ होता है क्या? देखिए 35 मैंने बार बार ये 75 शब्द का प्रयोग क्यों किया ये बताता हूं। आप डिसाइड कर लीजिए 56 चाहिए या 75 चाहिए। 56 मतलब क्लैरिटी, 56 मतलब स्पष्टता, 56 मतलब साहस, और 75 मतलब कंफ्यूजन। आप बताइए कंफ्यूजन चाहिए या स्पष्टता चाहिए? मध्य प्रदेश की जनता को स्पष्टता चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। प्रियंका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं। 56 इंच के सीने का जो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, आइए प्रियंका जवाब दीजिए। इसे जवाब दे दूं पांच मिनट पहले थोड़ा भैया, अरे भैया बोलिए बोलिए। हाँ, आपने पूछा लहर, मैं कहूंगी जनता की कहर। ये इनको उसका सामना करना पड़ेगा और 11 तारीख को उसका जवाब भी मिलेगा। इन्होंने कहा 56 में क्लैरिटी है, मैं बोलती हूँ हाँ बिल्कुल क्लैरिटी है। क्लैरिटी देखो इतनी है कि बगैर न्योते के पाकिस्तान वही 56 इंच का सीना बिरयानी खाकर आ जाता है। ये बोलते हैं 56 इंच में विश्वास है ना, पूरा विश्वास है। भ्रष्टाचार कर फिर भी तस से मस ना होना, मन की बात करते रहना, जन की बात ना सुनना, वो 56 इंच का सीना ही करेगा। रही बात 56 इंच की, 56 इंच से जो जिस तरीके से महिला पे आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं, और इन्हीं के जो लोग हैं जो कार्यरत हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, आज ही उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, पॉक्सो एक्ट का मामला लगा है, फरार है उसी तरीके से जैसे सेंगर जी फरार थे उत्तर प्रदेश में। अब आपने बात की, हमारे पास है लंबी लिस्ट है इनकी, आपने इनके लिए कहा भारतीय जनता पार्टी के पास योजनाओं घोषणाओं की, नहीं घोषणाओं की, बिल्कुल आपने सही कहा, लंबी लिस्ट है घोषणाओं की। ये मुख्यमंत्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएंगे कि अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने हर दिन एक नई घोषणा की है, और करीब 2500 से लेकर 3000 तक घोषणाएं करी हैं बगैर आचार संहिता लगने के बाद। अगर आचार संहिता नहीं लगी होती तो शायद 3500 का आंकड़ा भी पार कर चुके होते। तो हाँ, मैं मानती हूँ लंबी लिस्ट है, पर उन घोषणाओं में से कितने इन्होंने काम किए
वो लिस्ट थोड़ी छोटी है रुमाना जी, शायद 5 इंच या 6 इंच की रहेगी। तो वो जवाब ले लें? हाँ जवाब जरूर लीजिएगा, मैं उनसे पूछूंगी जब जवाब दें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो 7.5 करोड़ की मध्य प्रदेश की जनता है उसका जवाब लें, उनसे पूछें कि कितना रोजगार आपने बनाया हमारे युवाओं के लिए। आप इनसे पूछिए महिला दुष्कर्म में ये रिकॉर्ड आपने क्यों कायम पिछले 8 साल से रखा है। आप इनसे जरूर पूछिएगा कि अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का क्या काम किया है। आप इनसे ये भी पूछिएगा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश करने के बाद आपको समृद्ध मध्य प्रदेश की जरूरत क्यों आ पड़ी, अगर स्वर्णिम है तो समृद्ध की क्या जरूरत है। और लास्ट आप जरूर ये पूछिएगा कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो आए दिन आकर रास्तों पे आंदोलन कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन क्यों किया। मुद्दे पे से ना भटके, चलिए एक एक करके मुद्दे यहाँ पर प्रियंका से करें। और संबित देखिए, आज प्रियंका चतुर्वेदी का जन्मदिन है तो पहले तो बधाई दे दीजिए। और आज जो प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं ना, अब सिलसिलेवार ढंग से मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए मैंने तो पहले ही उनको जन्मदिन की बधाई दी, ठीक है। पहले महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा के मामले में आपने कलम देखिए, कागज देखिए, मैंने सारे विषय लिख लिए हैं। ठीक है, इसका भी जवाब देखिए। पहले तो मैं आज प्रियंका जी का नाम बदल के रोमाना ही रख देता हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन वही पूछेंगी, तो मैं प्रियंका नहीं आज रोमाना चतुर्वेदी इनको कहता हूँ, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने कहा बधाई, जब तक जवाब नहीं मिल जाता है ये भी मंजूर है। आपने कहा कि बधाई देना, बिल्कुल जन्मदिन है मेरी बहन का तो छोटी बात थोड़ी है, सेलिब्रेशन भी है, बधाई भी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरे पास एक ही बधाई है आज की बधाई प्रियंका के नाम, 11 तारीख की बधाई देता हूँ। हार्दिक बधाई भी हमारे नाम, चिंता मत, एक ही बधाई है, उस दिन की बधाई, हर दिन की एक बधाई। बहन थोड़ा ऐसे गुस्सा मत खाओ, आज केक खाओ। 11 की बधाई हमारे नाम, आज की बधाई मेरी बहन के नाम। तीसरी बात, अब पांचों सवाल के जवाब। पहला आया पाकिस्तान, दूसरा भ्रष्टाचार, महिला, वचन, समृद्धि। हाँ, किसान ने पूछा नहीं अभी, किसानों की पूछते कहां है, तो कहां से जवाब। पांच जवाब देता हूं। पाकिस्तान और 56 इंच पे सवाल पूछती है कांग्रेस पार्टी, सिद्धू जी को थोड़ा देखा करो। कमर बाजवा कहां है, मुझे उसे चूमना है। कमर बाजवा कहां है, उसे गले लगाना है। भारत ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, 2 दिन में मुझे भारत पाकिस्तान ने दो दे दिया। और मुझे सुनने में आ रहा है कि अटैची पैक कर रहे हैं, इमरान खान के कैबिनेट में शिरकत करने वहां जा रहे हैं सिद्धू जी। और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक और 56 इंच का सवाल है, हमने तो 56 इंच दिखा के सर्जिकल स्ट्राइक किया, सुबह से शाम तक उसे खून की दलाली राहुल गांधी कहते थे। और इनके संजय निरुपम मुंबई में पानी पी पी कर सुबह से शाम तक सबूत दिखाओ। संदीप दीक्षित जो इनके सदस्य थे पहले पार्लियामेंट के, सड़क के गुंडे हैं ये हमारे आर्मी के चीफ, ये भाषा इनकी थी। और ये पाकिस्तान की बात करते हैं, भ्रष्टाचार इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार करके टस से मस नहीं हो रहे। गलती से इन्होंने भाजपा कह दिया। कांग्रेस में 2 ऐसे नेता हैं, बेलगाड़ी BAIL बेलगाड़ी चल रही है उनकी, 5000 के मुचलके पे बाहर हैं, 5000 करोड़ रुपए गबन करने के नेशनल हेराल्ड वाले केस पे, और टस से मस नहीं हो रहा। इतने बड़े केस में पहली बार देश के सर्वोच्च परिवार जो इनके पार्टी का है वो बेल पे बाहर है। चिदंबरम जी रोज जाते हैं, जैसे बैंक से इंस्टॉलमेंट लाते हैं वैसे कोर्ट से जाके इंस्टॉलमेंट में बेल लेके आते हैं। शशि थरूर जी बेल, तमाम कांग्रेस पार्टी बेलगाड़ी पे बैठी हुई है, दूसरों को देख रही है कि कौन क्या भ्रष्टाचार कर रहा है। सूती कपड़े पहन के देश को कैसे लूटना है ये गांधी परिवार ने सिखाया है। महिलाओं के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुस्सा आता है जिस दिन महिलाओं को साजो समान, सजावटी समान कहा जाता है। गुस्सा आता है, कमलनाथ जी तो इसी प्रकार के व्यक्ति है, वो महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करते हैं। गुस्सा तब आता है जब मेरी बहना, जिसको मैं बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं और एक अच्छा व्यक्ति मानता हूं, उन्होंने कमलनाथ जी की विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि निर्मला सीतारमन और सुषमा स्वराज ये सजावटी महिलाएं हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई, भारत के कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS में पहली बार 2 महिलाएं हैं। एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर भारत में आज महिला है, उनके प्रति इस प्रकार की भाषा की, वो सजावटी महिलाएं हैं, माफी मांगनी चाहिए। आज जन्मदिन है, मैं आपसे ज्यादा तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा मेरी बहनों। माफी, अब आपने कहा कि समृद्ध मध्य प्रदेश की बात, समृद्ध मध्य प्रदेश की बात आपने कैसे कर ली, आप तो पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते थे। मैं एक नारा याद दिलाता हूं बंधुओं, आप अपने माता पिता से पूछना, उसके बाद अपने माता पिता से कहना, दादाजी से भी पूछ लेंगे, गरीबी हटाओ।
जवाहरलाल नेहरू गरीबी हटाओ, फिर उसके बाद आ गई इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ, फिर राजीव गांधी गरीबी हटाओ। सोनिया गांधी जी थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट बोलती थी इसलिए पहले पहले नहीं बोल पाती थी, बाद में सीखकर उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और उसके बाद राहुल गांधी गरीबी हटाओ। इतना गरीबी हटाओ होने के बाद ही आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप समृद्ध मध्य प्रदेश, अरे बीमारू मध्य प्रदेश छोड़ के गए थे, बीमारू से जुझारू लड़ने लायक बना, जुझारू से सुचारू और उसके बाद समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का काम शिवराज सिंह करेंगे। और मैं बोल दूं मेरी बहना को आज जन्मदिन के दिन, माफ करो महाराज, अब की बार शिवराज। ठीक है ठीक है, एक मिनट, आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं मैं इधर आऊंगी, अब इनकी बारी आ गई है बोलने की, आपने सब जवाब दिए। हाँ नहीं नहीं आप रखिए आराम से, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मिलते जुलते बहुत नजर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। अब देखिए संबित पात्रा, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कांग्रेस की लाइन है ना, गुस्सा आ रहा है। और अरे बिल्कुल है, अच्छा छोड़िए। और कांग्रेस, आप ये बताइए प्रियंका, आपकी रणनीति भी बिल्कुल बीजेपी जैसी है, मंदिर मंदिर जाएंगे, मतलब वोट के लिए हिंदू दिखना क्या कांग्रेस के लिए जरूरी है? सबसे पहले जो खुद बेल बॉन्ड पे बाहर हो वो बेल की बात ना ही करें तो सबको सुहाएगा। कितने की बेल ली आपने, कितने की, वो जो आपने बड़ा बड़ा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अरे अरे वो नेशनल हराल्ड वाले में एफआईआर हुआ था। और मैं आज कह दूं नेशनल हराल्ड के से मैं जेल चला जाऊंगा भैया, क्या रीति है देखिए, नेशनल हराल्ड करने वाले आज बड़े गौरव से दूसरों को जेल भेज रहे हैं, मां बेटे 5,000 करोड़ रुपए का, अरे कहां है पुलिस, आओ रे मुझे, आओ 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 मुझे आओ गिरफ्तार करो, मैं जेल में रहूंगा और जेल में मां बेटे का वो हाल करूंगा, आप देखना मुझे जेल लेके जाओ आज इस शो के बाद, मुझे जेल, पुलिस आओ पुलिस आओ मुझे गिरफ्तार करो, मुझे जेल में डालो, चलिए मुझे नेशनल हराल्ड केस में जेल में अभी डालो, अभी डालो, शो के बाद जेल कर लेते हैं, थोड़ी देखिए प्रियंका आतुरता, एक सेकंड, इतनी ही आतुरता जो जवाब और जवाबदेही में दिखाते तो आज शायद इतना एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं होती। मैं बिल्कुल मानती हूँ, एक सेकंड भाई साहब, बड़े भैया हैं आप, आपने मुझे विश किया आराम से एक एक करके, हम तो हाँ बिल्कुल, मैं कितनी शांतिपूर्वक इनकी बात सुन रही थी। मैं तो बेल वाले भैया से एक ही बात पूछना चाहती हूँ, बेल वाले भैया मुझे आप बस ये बता दीजिए कि आपने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कही, आपने कहा कि समृद्ध भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश, सक्षम मध्य प्रदेश, ये सब 15 साल के आपके कार्यकाल में आप बार बार बोल रहे हैं तो आप ये पूरा नहीं कर पाए, तो बार बार आप अपना दृष्टिहीन पत्र लाए जा रहे हैं यहाँ की जनता के सामने। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे अपने बेल वाले भैया से ये है, बार बार ये सवाल उठाते हैं मध्य प्रदेश को लेकर कि हमने ये दिया वो दिया, ये रोजगार दिलाए वो रोजगार दिलाए, तो आज जो यहाँ पे आक्रोशित जनता है, ये गुस्सा आता है कर रहे थे, तो गुस्सा आता है, गुस्सा का जवाब भी होता है, आपसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुस्सा का भाई साहब जवाब तो दीजिए। अच्छा आज किसान भाई बहन आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए, दे रहा हूँ, हाँ जरूर दीजिएगा, वो जवाब देंगे वरना फिर वही बोलते रहेंगे। हाँ, हाँ, पहले आपने, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदुत्व के सवाल से भी बच रहे हैं क्या आप लोग? भूल गई थी हिंदुत्व, हम किसी भी सवाल से बचते नहीं है, मंदिर के पास से कन्नी काट के चली गई थी, हम वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ मन की बात करते रहे, हम जन की बात सुनते हैं। अच्छा। हम वो पार्टी हैं जो अपना मैनिफेस्टो भी जब बनाते हैं लोगों की बात कर अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। मुझे आप ये बता दीजिए कब से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता ने ठेकेदारी दे दी है मेरे हिंदू धर्म को लेकर, आप मुझे बस ये बता दीजिए। और मुझे नहीं, मेरे धर्म ठीक है, अगर मेरी आस्था का विषय है मैं मंदिर जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं, मैं चर्च जाऊं, मैं गुरुद्वारे जाऊं, उसमें सवाल पूछने वाले हम कोई नहीं है, टेलीविजन मीडिया चैनल हम कोई नहीं है, और मैं आस्था पर सवाल नहीं पूछ रही हूँ। आपने मेरे धर्म को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, उससे मुझे घोर आपत्ति, मैंने कांग्रेस को यही धर्म है और भारत धर्म, भारत में 80% ये धर्म है अगर आप मानती हैं जी, तो यही भारतवासी हैं जिन्होंने इतने साल तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी है। ये कांग्रेस पार्टी को उन्होंने तभी भी सत्ता दी जब इमरजेंसी के बाद हमें बाहर जरूर किया,
पर वापस विश्वास जताते हुए हमें वापस सरकार की जिम्मेदारी दी। तो मेरा सवाल ये है, ये वही जनता अगर आस्था है, ये तो वही तो जनता मंदिर है, मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर होगी ना। नहीं, ये वही जनता है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग करती थी, वही जनता है। अरे बहन जवाब तो ले लीजिए राहुल गांधी। शुरू का मैंने 30 सेकंड का जवाब दिया, आपके सवाल का भी तो 30 सेकंड दे दीजिए, 56 सेकंड दे दीजिए। प्रियंका जी, बर्थडे के दिन ये थोड़ा सा दीजिए। अरे बर्थडे के दिन, अरे भैया पानी आपके लिए, पोस्टर पर शिवभक्त राहुल गांधी यहाँ पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और धो धोकर पिलाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। रही बात पोस्टर की, जी पोस्टर हो, हमारे मंदिर के दर्शन हो, मंदिर पे जाने के लिए जो पहनावा हो, और कहाँ पे कौन से तीर्थ में हम जाते हैं उसको ढोंगी बताने वाले, उन कपड़ों को फैंसी ड्रेस बताने वाले, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उसको हनीमून टूरिज्म बताने वाले, वो एक ही दल है, और वो दल है जो आस्थाओं का खिलवाड़ करता है, आस्थाओं के साथ विश्वासघात करता है, और ये भारत की जनता भलीभांति समझती है। इसीलिए 2004 हो और 1980 के बाद हमें वापस सत्ता दी हो, ये वही देश है और ये वही देश की जनता है जिनके नाम पे ये दूसरों को कोसते रहते हैं। प्रियंका देखिए जो जवाब दे रही है संबित पात्रा, अब बड़ा गंभीर मुद्दा और जवाब आपको देना है, वो ये कि राहुल गांधी को आप कहते हैं भाई चुनावी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, ये सब राहुल गांधी को नाम संबित पात्रा ने कितनी बार दिए डिबेट में बैठकर। अब मुझे और इन्होंने याद भी रखा। अच्छा है, अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप लोगों से क्यों ना पूछा जाए कि राम मंदिर बीजेपी के लिए आस्था नहीं चुनावी आस्था है। देखिए रोमाना जी, ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि राम मंदिर का विषय जब उठता है तो मन में कुछ होता भी है और गंभीरता आती है इस विषय से। 500 वर्षों से मैं बहुत प्रणाम करता हूं इस भूमि को, इस भूमि में खून खराबा नहीं है, इस भूमि में किसी के प्रति वैमनस्य नहीं है। 500 वर्षों से हिंदुओं ने बहुत ही आस्था के साथ जहां भगवान राम जन्म हुए उस भूमि के लिए वो लड़ रहे हैं और बहुत शांतिप्रिय तरीके से लड़ रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी ने भगवान राम, हम क्या कर सकते हैं भगवान के, हम कुछ नहीं कर, हम छोटी सी पार्टी है, मगर उस भावना के साथ हम सदैव खड़े रहे। 1989 में यहां बहुत बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, राजकिशोर जी बैठे हैं, दिबांग जी बैठे हैं, ये छोटी बात नहीं है, यहां बहुत बड़े लोग बैठे हैं। 2018 में मैं आ रहा हूं मैडम, 2018 बहुत देर मैडम, मैं आपको 2018 क्या 20 तक भी लेके जाऊंगा, मतलब 20 तक भी नहीं बन रहा राम मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, आरती करवा के मानूंगा मैडम, रुक तो जाइए। 20 तक बन रहा है राम मंदिर, अरे आरती करवाऊंगा, छोड़िए अभी, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप चैनल पर, शांति से, इतने आसानी से 2020 में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, पूरा बन रहा है, ये कह रहे हैं आप? थोड़ा अनुलोम विलोम करिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए बड़े पत्रकार बैठे हैं, हमारा इतिहास 1989 में हमने संकल्प लिया था पालमपुर के अपने अधिवेशन में कि भगवान राम के लिए आखिरी सांस तक हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, और हमने कभी नहीं भूला है। मैं आपको वचन देता हूं जी, कौन बनाएगा राम मंदिर, आपको लगता है ये सोनिया जी बनाएंगी राम मंदिर, जिन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई औचित्य नहीं है, राम काल्पनिक है। और तो और डीएमके ने सोनिया जी के कहने पर, क्योंकि उस समय उनका गठबंधन चलता था, डीएमके ने सवाल पूछा कि ये भगवान राम कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ के आया था, कहां का इंजीनियर था जो सेतु बना दिया, अरे ये हमारा देश था, ये हिंदू धर्म का विराट सीना है जिसने इस प्रकार का कटाक्ष भी सह लिया, मजाक करते हैं रोज हमसे पूछने के लिए, ये माँ बेटे बैठ के बताओ मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, अरे ऐसे बोलते हैं जैसे कि बेलचे और फावड़ा लेके खड़े हैं, हम रोके हैं इनको कि मंदिर नहीं बनाने देंगे, नहीं 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 कोई इनकी उनकी नहीं, सुन लीजिए आपने हिंदुओं को, आप सुनिए कोई इनकी उनकी नहीं, मंदिर के विषय में इतना हाफ इंच बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, हम भगवान राम के चरणों के दास हैं और मंदिर के लिए हम खड़े रहेंगे, और हां मंदिर बनाएंगे, रोक के दिखाओ, मंदिर बनाएंगे, संवैधानिक तरीके से बनाएंगे, खून खराब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका, आप जवाब दे देना एक लाइन, बस एक लाइन, वो ये कि अगली बार मतलब अब 2019 आने वाला है ना, मैनिफेस्टो जब बनाएंगे तो फिर संवैधानिक तरीका हटा दीजिएगा उसमें, ये मत लिखिएगा अगली बार वी विल एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा लिखिएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, फैसला आएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुकर गए मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा, आप हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं, छल रहे हैं, ये मैं आरोप लगा रही हूं आपका। नहीं, आप बिल्कुल आरोप लोगे, हिंदू जानता है कौन छल कर रहा है कौन छल नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, आज दो दो हाथ इसी मंच पर हो जाए, फैसला इसी मंच पर हो जाए,
देखिए इतनी बड़ी नेत्री मौजूद है जिनका मैं बहुत सम्मान कर लेंगे। राम मंदिर प्लीज मुझे माफी मांगती हूं। 10 सेकंड 10 सेकंड अधिकार है मेरा, मैं बड़ा प्यार से बोल रहा हूं लोकतांत्रिक तरीके से। मैं बड़ा सम्मान के साथ कहता हूं आज इसी मंच पर फैसला हो जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरी सम्मानित बहन जिनका जन्मदिन है वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। देखिए मैं बेझिझक एक बात कहूंगा, मैं कहूंगा वो जो विवादित ढांचा था ना वो विवादित था, उसी स्थान पे भगवान राम का जन्म हुआ था और हाँ गर्व से कहता हूं उसी स्थान पे राम मंदिर बन के ही रहेगा। ये चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द मेरे साथ बोल के दिखा दे कि वो विवादित ढांचा था, वहीं राम जी का जन्म हुआ था और वहीं मंदिर बनेगा। इतना अगर नहीं बोल सकती हैं तो इनका अधिकार मेरे से प्रश्न पूछने का नहीं है, आपका जरूर है क्योंकि आप चौथा स्तंभ है और आपका संपूर्ण अधिकार। अब जवाब प्रियंका। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ 500 साल से हम सारे हिंदू और हिंदू से ज़्यादा वो जो लैंड है उसका जो लड़ाई लड़ रहे हैं, गोरों से लड़े, गोरों के बाद छोड़ने के बाद गोरों से नहीं लड़ाई, कोर्ट से भी लड़ाई की। भाई साहब एक सेकंड, आपके बीच में कुछ हस्ताक्षर किया था, हमारे हक में था। जिनको इतिहास नहीं पता हो ना वो तो टीका नहीं करेंगे। मैं जीतने जाऊंगा इतिहास, सोनिया जी मुझे आज सिखा देंगी। सोनिया जी तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको इतिहास सिखा दूंगी। मैडम बताइए, हिस्ट्री टीचर बताइए। आप 500 साल की बात करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो दूसरों की लड़ाई में अपना पैर अड़ाकर उसकी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ये वो लोग हैं। मुझे आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो डिफेंडेंट्स हैं और जो ये पेटिशन लेकर गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा 1980 के दशक से अगर किसी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया है और राजनीति करने की कोशिश की है वो यही है। मैं आज यहाँ पर आपके खुले मंच पर ये कहती हूँ कि भगवान श्री राम भी कहते होंगे अगर मेरा नाम आप भक्ति में ले रहे हो तो वेलकम है, पर शक्ति पाने के लिए ले रहे हो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए तो ये आप लोग वो हैं 1989 से लेकर अब हम ऑलमोस्ट 2019 में आ गए हैं, सरकार उसमें करीब करीब 11 साल इनकी रही है, बीच में गिरी बनी 5 साल तो ताला खुलवाने के बाद आपको जाता है। मैडम मैं उसका भी श्रेय लूंगी, मैं सबका श्रेय लूंगी, इनकी जो असलियत है उसको बाहर और उजागर करने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी ही लेगी, क्योंकि 11 साल में जो ना कर पाए हो और आए दिन भगवान श्री राम का नाम देते हो सत्ता पाने के लिए और कैकई माँ की तरह उनको वनवास में भेज देते हो सत्ता पाने के बाद, वो अगर कोई एक राजनीतिक दल है तो वो ये है। ये लोग वो लोग हैं जो धर्म और आस्था पे राजनीति करते हैं। ठीक है, प्रियंका कह रही है कि राम नाम में वोट है, और मैं अपना सवाल जोड़ दूं क्योंकि देखिए लेट भी आए हैं आप लोग और समय कम है, ये कि मध्य प्रदेश में गौ माता वोटदाता बन गई है, मतलब ये लोग अपने मैनिफेस्टो में कह देते हैं जी हम गौशाला खोलेंगे, आप लोग बाकायदा गौ मंत्रालय बनाने के काम करते हैं, पहले राम नाम में वोट है अब मध्य प्रदेश में गौ माता वोटदाता। देखिए मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहला तो इन्होंने कहा कि राम नाम भक्ति के लिए है शक्ति के लिए नहीं, मैं कहता हूं राम ही से भक्ति है, राम ही से शक्ति है भैया, दोनों भक्ति और शक्ति के मूल ही राम है। दूसरा, आज अच्छा लग रहा है कि ये राम का नाम भी ले रहे हैं, मगर रोमाना जी मैं एबीपी न्यूज से बैठा हूं और आपके साथ बैठा हूं क्योंकि आप डिबेट भी रोज करती हैं, 4 बजे आपका बड़ा फेमस शो आता है। आप संविधान की शपथ, संविधान की शपथ आती है, आप ये मुझे बता दीजिए आज संविधान का शपथ खा के बता दीजिए, जिस दिन राम मंदिर का डिबेट होता है ना उस दिन कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से प्रवक्ता नहीं देती है, कोई प्रवक्ता राम मंदिर के डिबेट, क्यों? क्योंकि फिर वो बोल नहीं पाएंगे ना, राम मंदिर बनना, वो खाली घूम के बोलेंगे, मंदिर आते ही ऐसा है वैसा है, मंदिर बनना चाहिए अभी मैंने आपको चैलेंज दिया, ये नहीं करेंगे, मंदिर बनना चाहिए ये कभी नहीं बोलेंगे, ये खाली तारीख बताओ इस प्रकार से मजाक करेंगे। दूसरा विषय, इन्होंने हमें 4 दिन से 5 दिन से मैं देख रहा हूँ रणदीप सिंह सुरजेवाला और ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ये भारतीय जनता पार्टी तो कई कई है, भारतीय जनता पार्टी तो कई कई, अरे रावण तुम क्या सुबह से शाम तक कई कई कर रहे हो? ये रावण का मतलब आप देखिए, जिन लोगों ने धर्म को ह्रास करने के लिए हिंदुओं को आतंकवादी तक कह डाला वो मंच में कभी नहीं भूल सकता हूं, जयपुर का जिस अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मौजूद थे, बगल में आदरणीय सोनिया जी बैठी थी, उनके बगल में राहुल जी युवराज के रूप में बैठे थे, शिंदे उस समय सुशील कुमार शिंदे तत्कालीन गृहमंत्री थे देश के, वो खड़े होकर कहते हिंदू आतंकवादी और ये भारतीय जनता पार्टी और सिंह आतंकवादी हिंदू आतंकवादियों की ट्रेनिंग देती है। प्रियंका जी आप मेरी बहन हैं, सम्मान से कह रहा हूं ये श्राप लगा है कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं का, ये ग्रहण लग गया है हिंदुओं का, 7 पीढ़ी तक ये याद रख के जाइए, 7 पीढ़ी तक
इस श्राप से मुक्ति नहीं है। और चौथी बार आप जो हमें रोज शाम को कहती हैं कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं, आप छोड़ दीजिए, मैं तो बोल रहा हूं रोमाना जी के दादा, मेरे दादा, आपके दादा, कहीं ना कहीं इंडिया से कोई, बिहार से कोई, मुजफ्फरपुर से कोई, यूपी से कोई, उड़ीसा से लड़ रहा होगा, सब कोई लड़ रहे होंगे, कैसे भी लड़ रहे होंगे। सोनिया जी के दादा, दादी, पापा, मम्मी कौन से जिले से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये मुझे आज आप बता के जाइए। जिन लोगों के पास 19 वर्षों तक अध्यक्षा के नाते सोनिया जी कार्यरत थी, जिनके लिए खुद संजय निरुपम जी ने अपने कांग्रेस दर्शन में लिखा कि वो मुसोलिनी परिवार से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह रहा है, ये खुद संजय निरुपम जी ने मुंबई में कांग्रेस दर्शन मैगजीन में लिखा, जहां से मेरी बहन भी आती है मुंबई में, कि शी इज अ फासिस्ट एंड शी बिलोंग्स टू मुसोलिनी फैमिली। वो कहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, ये मुझे आज बता के जाना। ऐसे जैसे दिखा जैसे झांसी की रानी बन के लड़ रही थी सोनिया जी। अच्छा, ये रोज शाम को हमें अंग्रेज ले ले। नहीं, रोज शाम को भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ है, अंग्रेजों के साथ है, ये कहना जल्दी बंद करे वरना पर्दाफाश कर दे। मैं जवाब देती हूँ। जवाब देखिए, जैसी मानसिकता होती है वैसे ही शब्दों की बयानबाजी होती है। मैं अभी भी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता जो सवाल उठा रही है, जो आक्रोशित महसूस कर रही है, असंतोष महसूस कर रही है, उनकी आवाज उठा रही हूं। पर ये वही लोग हैं जो ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक जन को कोसते रहते हैं, और जितना आप कोसोगे उतने श्राप के भागीदारी आप लोग होगे। ये मैं आपको कह दूं, और श्राप। अब मैं यहां पर, मैं सभी भाई बहन यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर इनसे बस एक चीज यहां पर पूछना चाहती हूं। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की परिवार को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, श्राप देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। श्राप तो आप लोगों को मिलेगा कि जो बार बार लोगों की आस्था के साथ खेलेंगे, और वो श्राप आपको हर 5 साल में यहाँ की जनता ने दिया है। रही इन्होंने बात की राम सेतु की, बात की इन्होंने मिथिकल कैरेक्टर हैं, ये बात की पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इन्हीं ने जवाब दिया था कि माँ सीता मैया एक मिथिकल कैरेक्टर है। एक सेकेंड, एक मिनट, मुझे जवाब देना है। और क्यों दिया था? क्योंकि बिहार से एक मांग उठी थी कि सीता माँ के लिए एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, तो इन्होंने ही, इन्हीं के जो कल्चर मिनिस्टर हैं, कहा मिथिकल कैरेक्टर हैं। मैं इनसे इस मंच से पूछना चाहती हूं, आप महिला, मैं महिला, यहां पे बहुत सारी महिला, आपको महिलाओं से इतना विरोध क्यों है? इन्होंने कहा मैंने महिला मंत्रियों को कहा सजावटी महिलाएं। मुझे पता था आप एंटरटेनमेंट अच्छा करते हैं, मुझे पता है आप जोक्स अच्छा करते हैं, आप कॉमेडी अच्छा करते हैं, लोग यहां पर एंटरटेन होकर जाते हैं, तालियां बजाकर जाते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था अब आप स्क्रिप्ट राइटर भी बन गए हैं, स्क्रिप्ट डायरेक्शन भी करने लगे हैं, डायलॉग्स भी लिखने लगे हैं, ऑल इन वन बनकर आप प्रस्तुत हो रहे हैं। ये तो चलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, पर न्यूज इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात एंटरटेनमेंट की और सजावटी जिम्मेदारी की, रही बात सजावटी, मैंने कहा था मंत्री, जहां पर मंत्री साहिबा जो सक्षम हैं, काबिल हैं, और उनके पास सारी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको प्रधानमंत्री की भी गद्दी दे देंगे, वो भली भांति संभाल सकती हैं, सुषमा स्वराज जी स्पेशली। पर यहां पे देश की रक्षा मंत्री, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, देश की रक्षा मंत्री आज अगर किसी की रक्षा करते पाई जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करती जा रही है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं। अच्छा? और दूसरी बात, आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 600 विदेशी दौरे तो कर लिए होंगे अपने 4 साल के कार्यकाल में, 600 या 1000 तक पहुंच ही गए होंगे, आंकड़ा पार किया होगा मैं उम्मीद करती हूं। उन 1000 यात्राओं में कितनी बार अपने साथ में देश की विदेश मंत्री को लेकर गए होंगे, या उनसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया होगा, तब आप बताइए। तो वो अंतर होता है भाई साहब, और वो मानसिकता का अंतर है। एक होता है जिम्मेदारी से उनको जिम्मेदारी मुक्त करना, एक होता है सजावटी पे आप उस बात पे पूरा मुद्दा बनाना। जब मुद्देहीन होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, तो इस तरीके की मैंने सब लिख लिया है, मैं फटाफट जवाब देता हूँ। पहले महिला विरोधी, मैं पहले तो इन्होंने कहा कि मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट राइटिंग बिल्कुल ठीक है, मैंने ही स्क्रिप्ट लिखा था, पीछे से आलू आगे से सोना, 35 आलू की फैक्ट्री, ये सब मैंने ही लिखा था, राहुल जी को दिया था, बेचारे राहुल जी ने पढ़ लिया, देखो क्या हाल हो रहा है। इसलिए एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के स्क्रिप्ट के विषय में कांग्रेस पार्टी में सपने में भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आज राहुल ना होते तो हमारा क्या होता बताइए? कोई टीवी देखता? कोई टीवी नहीं देखता, मतलब ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़ के रहते। थैंक यू राहुल। एक सेकंड, आप जवाब पूरा कर लीजिएगा। देखिए ना, एक नीचे से सवाल आया है पात्रा जी से, राजकुमार प्रजापति, आप कह रहे हैं कोई टीवी देखता या नहीं, और ये बता रहे हैं कि मेरी भतीजी है, छोटी सी बच्ची है, पहले डोरेमोन मिक्की माउस देखती थी, अब तो कहती है नहीं, संबित पात्रा की डिबेटे में यही देखूंगी।
थैंक यू। अगर एक छोटी सी बच्ची मेरे लिए हंसी का, अगर मेरे कारण से एक छोटी सी बच्ची हंस पाती है, वैसे डोरेमोन, पोकेमोन और पोगो तो राहुल गांधी जी का पर्यायवाची शब्द था। खैर, बाकी मैं विषय पे आता हूं। अभी इन्होंने सजावटी विषय पे रखा कि सजावटी मंत्री हैं हमारी दो महिलाएं, निर्मला सीतारमन और सुषमा स्वराज। मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़े कार्यकाल के लिए अगर सजावटी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसी ने ऑक्यूपाई किया था तो उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पोस्ट को 10 वर्षों तक आपने साजो सज्जा सम्मान का विषय बना दिया था। केवल सजावटी प्रधानमंत्री, 2G हो जाए, कोलगेट हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, मनमोहन जी से पूछिए मेनू की पता, मेनू की पता, मेनू की पता, कुछ पता नहीं, क्योंकि सारा कुछ पता 10 जनपद को होता था। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब किसने लिखा? भाजपा ने लिखा, संजय बारू जो कि खुद मनमोहन जी के मीडिया एडवाइजर थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं। शाम 6 बजते ही पुलक चटर्जी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वो फाइल खींच के मनमोहन जी के नाक के नीचे से लेके सोनिया जी को दे देते। इन्होंने कहा हम कोसते हैं एक परिवार को। बंधुओं, 14 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मौत के सौदागर, तू नीच है, तू जाके चाय बेच, तुझे चप्पल से मारना चाहिए, तू बिच्छू है, शिवलिंग के ऊपर क्या चप्पल चलाएंगे, तू कॉकरोच है, तू यमराज है, तू नीच जात का है, किसने कहा था ये सब? उसका बदला ये सब बदला ले रहे हैं। ये बदला है राहुल गांधी को डोरेमोन, नहीं राहुल गांधी को डोरेमोन पोकेमोन कह देना, ये बदला है। कितना प्यार से मैं डोरेमोन पोकेमोन कहता हूं। बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अदल्ट का एंटरटेनमेंट है। अब मां सीता के विषय में महेश शर्मा जी से सवाल पूछा गया कि मां सीता के प्रूफ के लिए आपको बिहार के उस स्थान पर खुदाई करनी चाहिए ताकि मां सीता का प्रूफ निकले। मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारे मंत्री ने कहा मां सीता हमारी मां है, उसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि सीता मां थी और हुआ करती थी, वो है और सदैव रहेगी क्योंकि वो हमारी मां है। इनको प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ नहीं चाहिए। स्क्रिप्ट आपको डॉक्टर महेश शर्मा, कोई भी गूगल करके वो प्रश्न और उसका उत्तर आप पार्लियामेंट का देख सकते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। और एक बड़ी बात बता के मैं समाप्त कर दूं, इन्होंने मुझे अगला सवाल लेना है। इन्होंने जब मैं सोनिया जी पे कहा अंग्रेज वाला, तो ये गुस्सा हो गई। कल का हेडलाइन न्यूज है, मानवेंद्र जी जिनको इन्होंने टिकट वसुंधरा जी के खिलाफ राजस्थान में दिया है, मानवेंद्र जी ने कहा है वसुंधरा जी तो राजस्थान की नहीं है, विवाह के कारण राजस्थान से जुड़ गई, इसलिए ये नकली हैं। बताइए, विवाह के कारण राजस्थान से जुड़ गई, ये राजस्थानी नहीं है। जिसके पास 19 वर्षों तक सोनिया जी हो, विवाह के कारण हिंदुस्तान से जुड़ी हो, उनकी इतनी हिम्मत कि वो हिंदुस्तान की बहू को, हिंदुस्तान की बेटी को कहे कि ये हिंदुस्तान की नहीं है। संबित, मानवेंद्र अभी अभी बीजेपी से कांग्रेस में आए ना, ऐसा तो नहीं आपके संस्कार छूट नहीं रहे, यही तो आप सोनिया गांधी को कहते आए, वही उन्होंने संस्कार पलट के बस। ये तो बड़ा सहज है। अभी आप परसों मेरे से पूछ रही थी सिद्धू जी आपके यहाँ से छूट के यहाँ आ गए, और देखिए आपके संस्कार तो छूट गए, अब आप कह रहे हैं आपके संस्कार छूट नहीं रहे। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आना क्या है, हम हैं और मुद्दे पर मुझे बताया गया है कि ये जो हॉल है, इस हॉल का नाम लोटस हॉल है, तो आप तो खुश हो जाएंगे ना सुनकर। लोटस ही खिलेगा। अच्छा ठीक है, कमल खिलेगा और कमलनाथ का कमल खिलेगा, कमल का कमाल बताइए, कमलनाथ जी का कमाल होगा। अरे सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे, इतना मत बोलिए, ये कमाल है। क्यों काम से आज प्रियंका दीदी ने क्यों काम से कर दिया है, दिग्विजय जी और सिंधिया जी देखना क्या करेंगे अब। कमलनाथ का कोई नाथ नहीं रहेगा अब। ठीक है कमल ही कमल रहेगा, कमल ही कमल। आज आप दोनों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने के मूड में, वो 2020 राम मंदिर का बता रहे हैं आप, कमलनाथ का नाम राम मंदिर ये बता देंगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी बहन जी। कमलनाथ जरा संबित पात्रा जी के फ्यूचर का सोचिए। अच्छा ठीक है, रोज आए दिन कांग्रेस की बात करूंगी। क्या सीएम चेहरा है कांग्रेस का? मैं बहन जी को जवाब, बहन जी इसका भी जवाब दूंगी, पर जरा हमारे भाई साहब के करियर की सोचिए। हम तो जेल जा रहे हैं भैया, ये तो जेल जा रहा हूँ अभी इसके बाद। ये तो मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, करने वाली पार्टी है, मुझे इसमें नहीं पता। नेशनल हेराल्ड गाइंग, हाँ चलिए, वो तो आपने नेशनल हेराल्ड का दिखा दिया भाई साहब, अभी जेल बेल आप उसके बीच में रहिए, वो संभालिए। आपका चेहरा कमलनाथ मध्य प्रदेश में, आप ये कह रही हैं? हमने हमेशा फंसा दिया है आपने, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, फंसाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको अंतर आप देंगी। अरे बहन जी मुझे जवाब दीजिए, भाई साहब और बहन जी आपकी फिक्स्ड मैच है क्या? हाँ मैं ऐसे आ रहा हूं, अरे जवाब तो देने दीजिए, जवाब सोचने का मौका दे रहे हैं हम बीच में ऐसे करके। आज मैं बोल तो लूँ, अरे देखिए मैं बता, दो मिनट सोच लो बहना, कोई एक कहावत है इंग्लिश में, इंदौर में कहते हैं, इंदौर की भाषा में, ज्यादा लोड मत लो, झांसी बिगड़ गई है सोच लो।
फेजेस आर ऑफन डिसेप्टिव, चेहरा दिखाते हैं विकास का, काम करते हैं सूट बूट के विकास का। अच्छा, चेहरा दिखाते हैं गरीबों की सेवा का, कार्यरत हैं अमीरों की सेवा का। चेहरा दिखाते हैं किसानों के अधिकार का, काम करते हैं किसानों के अधिकारों के हनन का। चेहरा दिखाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करने का, और काम करते हैं पूरे देश को भ्रष्टाचार युक्त करने का। काम बताते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने का, नाम है इनका। और काम जो है वो आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। काम बताता है और नाम ये बताता है कि हम जो चेहरा है और जो महंगाई है, महंगाई पे वार करेंगे, महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं वो खत्म करेंगे। पर काम क्या बताता है? आज भी हमारे बीच में काफी सारी महिलाएं हैं, पता नहीं कितना सिलेंडर खरीद रही हैं यहाँ पर हम लोग जो बॉम्बे में सिलेंडर खरीद रहे हैं 950 का आंकड़ा पार कर चुका है। पेट्रोल खरीदने कितने यहाँ पे आदमी जाते होंगे वो देखते होंगे, जब 56 इंच का पोस्टर लगा हुआ है सामने हंसता हुआ, हा 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 हा, और पेट्रोल भरते हैं 100 रुपए लीटर, तो ध्यान करते होंगे नाम और काम में कितना अंतर है। तो हम तो काम करते हैं, ये सिर्फ अपने नाम पे वोट गिनते हैं। कमलनाथ के सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया, एक मिनट कमलनाथ ले ही लीजिए। आपने कहा कि बता दिया कमल खिलेगा, हम काम पे ध्यान देंगे। हाँ। जी हाँ, अध्यक्षता उनकी है। हाँ। और कमल का कमाल मुख्यमंत्री कौन होगा 11 तारीख को? मैं मानती हूँ कि जो लोग यहाँ से प्रत्याशी अपने चुनकर भेजेंगे उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, और ये संविधान कहता है और कांग्रेस पार्टी की परंपरा कहती है। समित, एक मिनट, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन प्रियंका, आपने इतना फर्क गिनाया बीजेपी के साथ कांग्रेस का, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो घोषणा पत्र जब देखें तो उसमें राम वन गमन पथ यात्रा, गौमूत्र का कमर्शियल प्रोडक्शन, हर पंचायत में गौशाला, मतलब एक फर्क करना मुश्किल हो जाता है एक नजर पड़े तो, कि ये जो घोषणा पत्र है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। मतलब सब कुछ बीजेपी का आपने ले लिया, बस एक आरएसएस अखरता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब आप कहती हैं जो हिंदू धर्म की परंपरा है जीव जंतु को सम्मान देना, और जो प्रकृति से आए हुए सारे जीव जंतु है जन्तु। उनका ध्यान देना वो आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाल देती हैं, उससे मुझे बड़ी आपत्ति है बहन जी। और रही बात, यहाँ पे सारे हमारे, मैं मानती हूँ ज्यादा से ज्यादा अधिकतर हिंदू धर्म के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि प्रकृति का जो नियम है, और प्रकृति जो हमें, प्रकृति को भी हम ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, वो कहते हैं सबका सम्मान करना है सब। हाँ। जो दो मिनट मुझे देने पड़ेंगे, दो मिनट और बोले। आज अगर इनने 2008 या 2008 से पहले के चुनावी वादे में रामगमन पथ का वादा किया था, आज अगर इन्होंने 15 साल में दे दिया होता तो वो हमें मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने समय की कमी है मेरे पास, 2003, 2008, 2013 वही कांग्रेस है, वही बीजेपी है, वही शिवराज भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई मामा की मुश्किल बढ़ेगी या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है या खुद ही कांग्रेस अपने दावों में उलझ कर रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।